आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आगामी 2022 के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह मातृ शक्ति सम्मेलन में मौजूद होने वाली है। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में महिलाओं के सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में करीब 1500 महिलाओं का सम्मान आज स्वाति सिंह करने वाली है। तो लखनऊ में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंत्री स्वाति सिंह की तरफ से मातृ शक्ति सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है, जहां पर स्वाति सिंह कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचने वाली हैं। तैयारियों की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में आज 15,000 महिलाओं को सम्मानित करने वाली हैं मंत्री स्वाति सिंह। मातृ शक्ति सम्मेलन आज होने वाला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारियां जो हैं इस सम्मेलन को लेकर भाजपा की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। अब बस मंत्री स्वाति सिंह का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं का हुजूम भी इस सम्मेलन में देखने को मिल रहा है। इसमें 15,000 महिलाओं को सम्मानित किया जाना है। कि कार्यक्रम में पहुंचे हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो गौरव, जिस तरह से आज मंत्री स्वाति सिंह का मातृ शक्ति सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की कार्यवाही है, सरकार की कहीं ना कहीं विभागीय मंत्री है, वो लगातार ऐसे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। माध्यम से बताया जाती है कि ग्राम प्रधान इस तरह से वोट बैंक के पालन किया जाए, ऐसे की राजधानी लखनऊ विधानसभा है के वहाँ कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल कल्याण राज्यमंत्री स्वाति सिंह पहुंचने वाली है। वहाँ पर लगभग 15,000 महिलाओं इस कार्यक्रम का नाम है मातृ शक्ति सम्मेलन। बड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही है। कुछ देर में जानकारी के मुताबिक कुछ देर में जो महिला महिला कल्याण बाल विकास राज्यमंत्री स्वाति सिंह वहाँ पहुंचने वाली है। बड़ा कार्यक्रम है और कार्यक्रम में जो स्वाति सिंह है जो मंत्री है सरकार में उपस्थित है, वो 15,000 महिलाओं को सम्मान पहले आएंगे। स्वावलंबी बनाने की पहल है उसको तरजीह देते हुए यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम सरोजनी नगर के बोनवाल कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया है। जी गौरव, जिस तरह से इस वक्त आप वहाँ सम्मेलन में मौजूद है, कुछ ही देर में स्वाति सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं वहाँ पर? महिलाओं में किस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार से महिलाओं के लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति है वहाँ की? जी बिल्कुल, आधी आबादी है महिलाओं की। और मैं आपको बताऊँ की महिलाओं की जो हमेशा से भूमिका रही है, चाहे वोट बैंक को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो, चाहे स्वावलंबी को ऊपर हो, जो जिस तरह से लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उनकी तमाम योजनाएं भी चल रही है, उनके लिए तमाम प्रयास भी कर रही है, तमाम काम चल रहे हैं,
उसको देखते हुए इस प्रकार से मातृशक्ति सम्मेलन वहाँ पर किया जा रहा है और बड़ा सम्मेलन है यहाँ पर, बड़ी संख्या में महिलाएं आई है। अगर मैं संख्या की बात करूँ तो संख्या के लगभग यहाँ पर 3,000 के लगभग महिलाएं पहुंच चुके हैं और अभी स्वास्थ्य सिंह की मंत्री है, प्रदेश सरकार की वो भी पहुंचने वाली है और बड़ा कार्यक्रम बहुत ही उत्साह देखने मिल रहा है। महिलाओं में महिलाओं कहना है जिस तरह से प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है बहुत अच्छा प्रयास है, हम लोग स्वावलंबी बनना चाहते हैं और जिस तरह से हर ग्राम पंचायत में जी गौरव, जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बड़े स्तर पर, आप देख सकते हैं तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं का हुजूम वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में वहाँ मौजूद महिलाओं से आपने बात की होगी, क्या कुछ उनका कहना है, किस प्रकार से आज उनकी प्रतिक्रिया है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, भाजपा के प्रति उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वक्त देखने को मिल रही है? उसके बता दें महिलाएं यहाँ पर जो आई है उनसे मेरी बात हुई है कि इस तरह के कार्यक्रम होने से हम लोगों में एक खुशी का एक उत्साह का जागरण होता है। हम भी चाहते हैं कि हमको पुरुषों से कम न समझाए, हम भी पुरुषों के साथ बाल सितार मिला के देश के विकास योजना देते हैं और जिस तरह से महिलाओं को अंतर आता जाता था चल रही है जी कराया राज्यमंत्री है स्वामी सिंह वो लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लेके महिलाओं के काम के लिए महिलाओं की सुविधा काम कर रही है और विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की महिला विधान के कौन से उनका नाम हमेशा से उसकी जनप्रतिनिधि है और उनका विभाग भी ऐसा मिला हुआ है और महिला होने के लिए लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है और हम उनके काम का सुनते हैं। जी गौरव, इस पूरे कार्यक्रम में आपने जिस प्रकार से बताया कि 15,000 महिलाओं को सम्मानित करने जा रही है भाजपा, स्वाति सिंह खुद उन महिलाओं को सम्मानित करेंगी, ऐसे में कौन कौन महिलाएं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल है, 15,000 महिलाएं वो कौन सी होने वाली है जिनका सम्मान इस पूरे कार्यक्रम में होगा? जो महिलाएं यहाँ पर आई है कार्यक्रम में वो वही महिलाएं हैं जिनको अलग अलग रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया गया है। ये वही महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रही हैं और साथ ही साथ जिन्होंने अपनी एक यूनिट बनाई है, समूह बनाया है और समूह के माध्यम से स्वावलंबी बन चुकी है, रोजगार कर रही है। ये सारी महिलाएं उसी तबके की है, उसी व्यवस्थाओं के तहत काम कर रही है और जिस तरह से काम है उनके साथ उनकी जो समूह है वो भी आए हुए हैं। इसके अलावा महिलाओं को एक प्रेरणा के लिए तमाम बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं आई है और महिलाओं का एक कहना है कि जो सरकार हमारे लिए बेहतर काम कर रही है उसके तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। लगभग 15,000 महिलाओं को कार्यक्रम रहेगा और क्योंकि महिलाओं के आधारित है इसी कार्यक्रम का नाम मातृशक्ति सम्मेलन रखा गया है। जी गौरव, इस पूरे कार्यक्रम में स्वाति सिंह के अलावा और कौन कौन शामिल होने वाला है? जिस तरह से भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम है, क्या लगता है कोई और मंत्री भी इसमें जुड़ सकते हैं? देखिए मैं बता दूं, तमाम योजनाएं अलग 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 ट्रस्ट के माध्यम से चल रही है, उसमें टाटा ट्रस्ट की बात करें टाटा ट्रस्ट के माध्यम से योजना चल रही है। इसके अलावा जो नाबार्ड है नाबार्ड के माध्यम से तमाम योजनाएं चल रही है, उसके महाप्रबंधक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार की महिला विकास एवं कल्याण राज्य मंत्री जो आपके साथ सुनिए वो भी कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। इसके अलावा जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वो भी कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। तो कुल मिलाकर जो भी महिला संबंधित लोग हैं जो बड़े सरकार के तबके में बैठे हुए हैं या संगठन में महिला महिला पदाधिकारी है वो भी कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा जिस ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग योजना चला रही है, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे टाटा ट्रस्ट हो या बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, इस बैंक ऑफ बड़ौदा भी लगातार महिलाओं को उद्योग कार्यक्रम में संविधान में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। जी गौरव, जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है लगातार महिलाओं के लिए, हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल अब महिलाओं को साधने में लग चुके हैं। जब से महिलाओं की आधी आबादी वाली रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, अब महिलाओं को कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की कोशिश हो रही है, पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी। क्या लगता है किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि आधी आबादी क्या महिलाओं की पूरी आधी संख्या है, हालांकि राजनीति होते उनको आगे बढ़ने का
जिस कांग्रेस की प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव ने कार्य रखा है कि 40% महिलाओं को सीट देगी, उसको देखते हुए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहे हैं अब भी हम ऐसी नीतियां ऐसे काम करें क्योंकि अब देखिए आप पहले समय सम्मेलन हुए उसके रैलियां हो रही है, यात्राएं हो रही है, व्यापारी सम्मेलन हो रहे हैं, अब जो लोगों की जो नजर है वो मेरा सम्मेलनों पर आप बची गई है उसके लिए सम्मेलन यहाँ पर आयोजित केंद्र सरकार ने बड़ा प्रस्ताव पास किया है कैबिनेट में जहाँ पर महिलाओं की आर्थिक रूप से कल कर दी गई है साहब को प्रस्ताव है और निश्चित रूप से सारी पार्टियां अपने पास में करने का प्रयास कर रही है। जी गौरव, जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम सरोजनी नगर में आयोजित हो रहा है वही सरोजनी नगर विधानसभा से जो स्वाति सिंह है वो अहम भूमिका भी निभाती है, ऐसे में क्या उनका रुझान देखने को मिल रहा है आगामी चुनाव में, क्या लगता है स्वाति सिंह का पलड़ा एक बार फिर से भारी पड़ता दिखाई देगा? जो उत्तर विधानसभा है जो आपकी सरोजनी नगर है उसकी जो आपकी विधायक है वो स्वाति सिंह है, मुख्यमंत्री भी है तो उसको देखते हो, और यहाँ की पहले हमने पहले भी सर्वे किया था तो यहाँ की जनता का रुझान आया था, वो कहना है कि स्वाति सिंह ने एक महिला मंत्री के रूप में और यहाँ के विधायक ने बहुत बेहतर काम किया है, जो भी सरकार की योजना थी वो सरकार सारी योजनाएं प्रत्येक आदमी के नामल से पहुंची है, चाहे चाहे वो अन्य योजना हो चाहे चाहे कन्या विवाह योजना हो सरकार की योजना जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में महिलाओं के सम्मान में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि मात्र शक्ति सम्मेलन का आज जो है वो कार्यक्रम पूरा आयोजित हो रहा है जिसमें करीब 15,000 महिलाओं को मंत्री स्वाति सिंह जो है वो अब सम्मानित करने वाली है। तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, तैयारियों का इस वक्त हम आपको जायजा दिखा रहे थे जहां पर महिलाएं एक बड़ी संख्या में मौजूद थी वहीं पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी उससे भी हमने आपको रूबरू करवाया। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ तमाम अपडेट लेकर मौजूद रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।